हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की 15th वर्कशीट क्लास 6 की डिस्कस करेंगे। सो ये इंटीजर से एडिशन से रिलेटेड वर्कशीट है। इन व्योमिनीस कुमार्स हाउस देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप टू टेरिस एंड फॉर गोइंग डाउन टू द गो डाउन। सो उनके घर में टेरिस है, एक ऊपर जाती है टेरिस की तरफ स्टेयर्स और दूसरी जाती है गो डाउन में यानी नीचे। सो लेट अस कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग अप टू द टेरिस एज पॉजिटिव। अब जो ऊपर जा रही है उन्हें हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग टू द गो डाउन एज नेगेटिव नंबर, और जो नीचे जा रही है उन्हें नेगेटिव लेते हैं। तो अब क्या कहा गया, एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड लेवल एज जीरो, और ये वाला जो नंबर है ये इसको क्या लिया गया, जीरो लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एक नंबर लाइन टाइप की बनी। गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, अगर हम यहाँ से 5 स्टेप अप जाए यानी यहाँ वाली सीढ़ी तक जाए तो ये क्या होगा, प्लस 5, और अगर 3 स्टेप नीचे जाए तो क्या होगा, माइनस 3 होगा। गो टू 6 स्टेप्स अप, अब पहले 6 स्टेप ऊपर जाओ यहाँ तक 6 स्टेप, और उसके बाद 2 स्टेप और ऊपर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे। अब गो 3 स्टेप्स डाउन, अब 3 स्टेप्स नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर के, और उसके बाद 3-4 स्टेप और नीचे जाओ यानी पहले यहाँ 3 तक जाओ और इसके बाद 1-2-3-4 स्टेप्स और नीचे उतरो तो -7 हो जाएगा। अब गो डाउन, अब 5 स्टेप नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर के और उसके बाद ऊपर मुड़ो 7 स्टेप, तो 5 स्टेप नीचे जाएंगे -5 तक और उसके बाद 7 स्टेप 1-2-3-4-5-6-7 यानी 2 आएगा। अब 6 स्टेप ऊपर जाओ और फिर 11 नीचे आओ तो हम कहाँ पहुँचेंगे, नीचे वाली 5th सीढ़ी पर यानी -5। तो अब कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इसके। पॉजिटिव इंटीजर में अगर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, अगर नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाए तो नेगेटिव इंटीजर आता है, और अगर नेगेटिव में पॉजिटिव को ऐड किया जाए तो जो नेगेटिव नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही होगी, और पॉजिटिव में नेगेटिव किया जाए तो पॉजिटिव एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव नंबर की ग्रेटर होगी। सो अब क्या है, अब यहाँ पे एडिशन और नंबर लाइन दे रखा है जो हमने ऊपर किया। फर्स्ट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0 रीचिंग 3, पहले 3 स्टेप राइट में जाना है 0 के यानी 3 पे जाना है, और उसके बाद 4 स्टेप और आगे जाना है तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 7 पे पहुँचेंगे, तो 3+4 7 आएगा। अब फर्स्ट वी मूव 2 स्टेप्स, अब हमें 2 स्टेप्स लेफ्ट में जाने हैं 0 से यानी -2 पे, एंड उसके बाद 5 स्टेप्स और लेफ्ट में जाने हैं -2 से तो कहाँ पहुँचेंगे, -7 पे। अब फर्स्ट वी मूव 6 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0, अब 6 स्टेप्स राइट में जाने हैं 0 पे, यहाँ पे 6 पर जाना है, और उसके बाद 2 स्टेप लेफ्ट में मूव करने हैं यानी माइनस हो जाएगा, सो 6-2 4। अब हमें पहले 5 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है यानी यहाँ पे -5 पे, और उसके बाद 4 स्टेप्स -5 से राइट में यानी 1 पे पहुँचेंगे हम, तो -5++4-1, सो इस तरह से ही होगा। अब करते हैं क्वेश्चंस। अब हमें नंबर लाइन पे इंटीजर बताना है 5 more than 3, पास में 3 ज्यादा यानी 5 more than 3, तो
थ्री जो है यहाँ पे है। अब इसमें पांच और ज्यादा लेने हैं आगे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या आ जाएगा, 8। 3 + 5 8। अब 3 < 2, अब 3 कम 2 से, तो 2 ये है यहाँ पे, अब 3 कम लेने हैं, लेफ्ट में जाएगा 1, 2, 3, कहाँ पहुंचे, -1 पे, 2 - 3 - 1। अब क्या करना है, 3 < -3, -3 ये रहा, इसमें 3 और कम, 1, 2, 3, -6 पे पहुंचेंगे। अब आगे क्या है, सम फाइंड करना है 21 एंड -12 का, तो 21 + -21, तो साइन माइनस का आएगा, 21 - 21 0 आएगा। अब -25 एंड -61, तो ये भी माइनस का है, और जब बाहर साइन प्लस का हो और अंदर ब्रैकेट में माइनस का हो तो माइनस ही आता है, तो -25 - 61 प्लस करके 86 आएगा और साइन माइनस का आएगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है -56 + 39, तो 56 + 39 कौन सा ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, तो साइन माइनस का आएगा, और इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे में, तो 56 - 39 17, और साइन किसका, सब्ट्रैक्शन का, तो -17 आ जाता है। तो यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।